हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हो अभिषेक दीक्षित ब्लॉग्स। तो यार आज सुबह से मतलब थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था मेरा, थोड़ा सा ऑफिस का काम वगैरह रह गया था। और अभी आप लोगों को पता ही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऑफिस में थोड़ा सा ज़्यादा ही काम रहता है घर पे। उसके बाद घर का भी कुछ काम रहता है, उसके बाद सर घर में पूजा वगैरह भी करना था, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पाया। तो अभी शाम को जो है मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जस्ट आप लोगों को बताना था, अभी थोड़ा सा मतलब वेट जो गेन हुआ है उसको रिड्यूस करने की कोशिश में हूँ, और जा रहा हूँ थोड़ा सा रनिंग वगैरह करने के लिए, और एक्सरसाइज वगैरह करूँगा घर पे आके। तो जिम वगैरह मैंने ज्वाइन नहीं किया है अभी, और अभी करना भी नहीं है मुझे, घर पर ही आई कैन एडजस्ट। और तो चलिए बाहर चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आप टाइम देखो तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, और जा रहा हूँ करीबन हाफ एन आवर, 1 आवर जितना भी हो सकता है रनिंग वॉकिंग कुछ भी करके वापस आता हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं, किसी और एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज। तो भाई साहब, 4 किलोमीटर का रनिंग, ओके और अभी जो है थोड़ा सा 10-15 मिनट का रेस्ट करने के बाद हम थोड़ा और एक्सरसाइज करेंगे रेजिस्टेंस बैंड के साथ, थोड़ा सा वेट वाला जो होता है थोड़ा बहुत देख के यूट्यूब में कर लेंगे। तो यार वेट गेन बहुत लोगों ने किया होगा, बहुत लोगों ने वेट लूज़ भी किया है, उन लोगों के लिए हैट्स ऑफ। बहुत मेहनत लगता है ये। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था वेट लूज़ करने के लिए, लेकिन दिक्कत ये हो रहा था कि मतलब ऑफिस का टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो मीटिंग्स वगैरह कॉल्स वगैरह रह जाते हैं, और ऊपर से घर का काम रहता है तो मोस्ट प्रॉब्ली। और सुबह को तो मतलब मेरे ज़िंदगी में सबसे अगर कोई मुश्किल काम है वो है सुबह को उठना, तो मेरे से सुबह को नहीं उठा जाता, ठीक है। तो 10-10:30 बजे, या फिर ऑफिस रहा तो 9 बजे उठ जाता हूँ सो के, नहीं तो 10-10:30-11 मेरा नॉर्मल टाइम है। तो यार अब इससे मतलब एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गया कि अगर आपको वेट लूज़ करना है, तो मैं अभी फ़िलहाल जो है लास्ट 4 मंथ मतलब जनवरी में मैं आया हूँ यहाँ पे बैंगलोर, तो उससे पहले जो 4 महीने थे मेरे, तो वो जो है मैं अपने गांव में था, घर पे बोले तो राउरकेला, तो वहाँ पे मैंने एक प्लेस एक्सप्लोर किया है अकाई शिला। तो आप वहाँ जाइए एक बार, उस जगह को देखिए, अब अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा ज़रूर। एक वाटरफॉल सा है, बहुत बढ़िया जगह है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वेट लूज़ करना है तो सबसे पहला चीज़ जो है, आप लोगों को अंदर से एक मोटिवेशन आना चाहिए खुद से। कोई आपको जो है मोटिवेट नहीं करेगा, पार्टनर नहीं ढूंढना है, ठीक है, कोई भी नहीं आएगा, कोई नहीं, आपको खुद को ही करना है, ठीक है, अकेले ही, क्योंकि वेट आपका इंक्रीज हुआ है। तो दूसरा कोई आप अगर कंपेनियन ढूंढेंगे, मेरे दूसरे के साथ जाऊंगा, या फिर मेरी वाइफ जाएगी, दोस्त जाएगा, कोई नहीं आएगा यार, ठीक है। सब अपने लाइफ में बिजी हैं, ठीक है, सब अपने काम में बिजी रहते हैं। तो ये आपको खुद से करना होगा, और अगर आप करते रहो तो फिर आपको देख के वो मोटिवेट होकर फिर आपके साथ वो आएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो स्टार्टिंग में आपको अपना विल पावर को जो है वो अंदर से जगाना है, थोड़ा सा बोलो कि यस आई कैन डू इट अलोन, फिर स्टार्ट करो। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैं 3-4 चीज़ें करता हूँ। एक सिटअप है जो कि मतलब आपको पता होगा, सिटअप, देन माउंटेन क्लाइंबिंग और रनिंग, बस ये 3 चीज़ें मैं करता हूँ, और रेजिस्टेंस बैंड के साथ थोड़ा सा जो भी मतलब बन सकता है यूट्यूब में देख के कुछ एक्सरसाइज वगैरह 15-20 मिनट के लिए कर लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कैलोरी बर्न करने के लिए और मसल पे मतलब जैसे फैट लॉस हो। वेट ट्रेनिंग में एक्चुअली अगर आप लोगों को पता होगा तो वेट ट्रेनिंग जो है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर वेट लॉस। आप लोगों को वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो वेट ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है कार्डियो से। अगर आप वेट ट्रेनिंग से के साथ कार्डियो, रनिंग हो गया या फिर कोई भी फ्री हैंड वर्कआउट हो गया आप करते हो, बर्पीज वगैरह, जंपिंग, रनिंग, कुछ भी, ओके, तो
इफ यू मिक्स दैट अप तो आपका वेट लॉस का जो मतलब जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है, आप जल्दी वेट लूज कर सकते हो। उसके साथ आपको डाइटिंग वगैरह, देखो यार हम इंडियंस हैं, खाना हम लोगों के लिए सब कुछ है, मेरे लिए तो है, मैं तो अपने खाने में डाइट में कोई भी मतलब कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ अभी तक, और अभी तक नहीं कर रहा हूँ, आगे भी नहीं करूँगा। जस्ट थोड़ा सा वर्कआउट करना है यार, जितना खाते हैं उतना तो पचा ले, बस उतना ही चाहिए। ऐसे में नॉर्मली रात को 4-5 रोटी खा लेता हूँ, सुबह को दोपहर को चावल खाता हूँ, सुबह को नाश्ता वगैरह जो भी मिलता है खा लेता हूँ, शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह हो गया, फिर बस चाय, बस मीठा वीठा सब कुछ खाता हूँ, फास्ट फूड वगैरह सब कुछ, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डाइटिंग। तो बस थोड़ा सा देखते हैं, 1-2 महीना ट्राई करते हैं इसको, अगर वेट लॉस हुआ तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा, आप लोग वीडियो तो देखोगे, अगर नहीं भी देखोगे तो भी इंस्टाग्राम पे जाके फोटोज़ वगैरह देख लेना, थोड़ा सा मोटिवेशन अगर मेरे तरफ से आप लोगों को मिल जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो ये था वेट लॉस के बारे में, और क्या बताऊँ, आज का जो दिन है बस नॉर्मल सही था, सो के उठा, ऑफिस का थोड़ा सा काम था वो किया, फिर पूजा वगैरह नहा धो के पूजा वगैरह कर लिया, तो सरस्वती पूजा था तो घर में पोछा वोछा लग गया, उसके बाद वाइफ ने किया वो सारा चीज़, फिर पूजा वूजा करके हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर दोपहर को बैठ कर मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम कर रहा था, फिर घर पे बातचीत हुआ, और अभी शाम को मैं थोड़ा सा गया वर्कआउट करने, और आके अभी वर्कआउट के बाद मतलब थोड़ा सा रनिंग किया, अभी अभी थोड़ा सा वर्कआउट करूँगा। तो चलिए थोड़ा सा वर्कआउट के बाद मिलते हैं। तो ख़त्म हुआ आज का वर्कआउट, तो यार आज बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, देखते हैं घर में खाने को क्या बन रहा है एक बार। ओए होए होए होए, आलू के पराठे बन रहे हैं, आई थिंक धनिया चटनी भी होगा शायद, तो आज रात का आलू का पराठा एंजॉय करेंगे हम। और यार हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि मोस्टली जो भी बैंगलोर में रहते हैं, खास करके मोस्ट सारे लोगों का, क्योंकि यहाँ का जो पानी है थोड़ा सा उसमें आयरन ज़्यादा है, थोड़ा सा उसमें मतलब आपका स्किन को जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो जितने भी मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं जो रेगुलरली ऑयल मसाज नहीं करवाते हैं या फिर केयर नहीं करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली, और यहाँ का जितना भी ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो डेली अगर आप कम्यूट करोगे बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कैसे भी, तो क्या होता है अगर आप हेलमेट पहनते हो तो स्वेट पसीना आ जाता है, तो उस टाइम पे आप एक कुछ कवर लगा सकते हो उससे बचने के लिए, अदरवाइज़ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो तो 100% आपको डस्ट आना ही है आपके सर पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो कि मुझे भी होता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो गया करीबन 1.5-2 साल से मैं एक शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ, वो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को शैम्पू दिखाना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, आप लोगों को पता होगा कुछ 15-20 व्यू आने वाले इस चैनल को कौन स्पॉन्सर करेगा, राइट। तो वो जो शैम्पू है उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कुछ करीबन 230 रुपये का कुछ आता है वो, ठीक है, एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों। वो जो शैम्पू मैं बता रहा था वो है ये, अगर आप देख सकते हो, सो दिस इज द शैम्पू, दिस इज सेल्सन, SELSUN, ओके। तो ये शैम्पू जो है मैं यूज़ करता हूँ हफ्ते में एक बार, ठीक है। तो ना मैं ऑयल मसाज करवाता हूँ रेगुलरली, ठीक है, नो ऑयल मसाज, नो केयर ऑफ माई हेयर, एक बार हफ्ते में, और डैंड्रफ मुझे 1.5-2 साल से नहीं आया है। घर जाता हूँ तो मोस्टली वहाँ पे जो है पानी हम लोगों का थोड़ा सा ठीक है, और पता नहीं वहाँ का पानी मुझे सूट करता है, बट वहाँ पे मुझे इतना डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं होता है जितना यहाँ पे होता है। तो मैंने 2-3 दोस्तों को भी बताया है इस शैम्पू के बारे में, वो भी यूज़ कर रहे हैं और पॉजिटिव रिव्यू है। तो अगर आप लोगों को फिर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता, भरोसा नहीं है, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और पूछ लीजिए कि कैन वी यूज़ दिस शैम्पू, क्योंकि आपको जो भी, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप लोगों को 100% सेम कंपोजिशन का ही शैम्पू जो है वो प्रेस्क्राइब करेंगे। तो इट्स बेटर टू आस्क देम फॉर दिस वन, ओके। सो यू कैन जस्ट आस्क फॉर सेल्सन, दिस इज एन एबॉट फार्मास्यूटिकल्स
प्रोडक्ट, सो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इट विच विल गिव यू अ वेरी नाइस यू नो रिजल्ट आफ्टर यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार आप यूज़ करोगे और आपको रिजल्ट दिखेगा नहाने के बाद, ठीक है. सो यू कैन ट्राई वंस एंड इफ इट इज़ वर्किंग देन यू कैन जस्ट गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो. तो दोस्तों एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से. आप लोग ऑयल वगैरह तो यूज़ करते ही हो, है ना, तो मोस्टली कोई एलमंड ऑयल या फिर ऑनियन ऑयल कुछ भी आप यूज़ करते हो, दैट्स फाइन. बट एक बात और ध्यान रखना, स्किन के लिए और हेयर के लिए सबसे बेस्ट है सरसों का तेल, ठीक है, एंड इट इज़ ए फैक्ट 100%, ठीक है. बचपन में जब आप बच्चे थे तो मिडिल क्लास से जो भी है मिडिल क्लास फैमिली, तो सबको सरसों तेल से ही मालिश किया जाता था. तो उस टाइम पे आपका स्किन कैसा रहता था, आपके बाल कैसे रहते थे, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर इटसेल्फ, ठीक है. तो हफ्ते में कम से कम एक बार आप मसाज किया करो सरसों के तेल से, अपने हेड मसाज किया करो. तो और उसके बाद आप शैम्पू करके नहा लो, आज रात को किया कल शैम्पू कर लो, तो दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रीट फॉर योर हेयर. ओके, ट्रीटमेंट दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. बाल घने भी रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली शायद जो बाल गिरते हैं या फिर झड़ते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, हेयर फॉल का इशू नहीं होगा और यू विल हैव ए हेल्दी हेयर. सो और बाकी कोई 500, 1000, 600, 1500 वो प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट सरसों तेल थोड़ा अच्छा वाला लेना, है ना, ये माइंड में रखना. तो आज के वीडियो में यार इतना ही रखते हैं, ठीक है, और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं और ज़्यादा बात करूँगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज़ अभिषेक दीक्षित.